गुड मॉर्निंग मानिश जैन, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम क्लास फाइव वालों के लिए पीपीएस ऑनलाइन क्लास में मैथ्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बता दिए थे, होमवर्क भी दे दिए होंगे, आप कर लिए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर कोई डाउट रहा होगा तो आप मुझसे 9 से 12 ऑनलाइन क्लास के दौरान आप कभी भी कोई डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं है तो। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। राइट इन एसेंडिंग ऑर्डर, आपको क्या करना है कि एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर छोटे नंबर को पहले लग करना है, फिर उससे बड़े ग्रेटेस्ट को उसके बाद, फिर उससे बड़े वाले नंबर को उसके बाद में, इस तरह से। ओके मैडम जी, तो देखिए पहली बात तो दिख लेगी इसमें सारे नंबर में 4 डिजिट है, कितने डिजिट हैं 4। तो सबसे छोटा नंबर क्या मिला 1538, फिर उससे नंबर 1835, फिर उससे ग्रेटर 1853, उससे ग्रेटर 153581, फिर उससे ग्रेटर 3815, फिर उससे ग्रेटर, फिर इससे ग्रेटर 8135, फिर इससे ग्रेटर 815। ओके मैसे, तो हमने देखा कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद में, उससे बड़ा उससे बाद में, उससे बड़ा, इस तरह से एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो एसेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट को सबसे पहले, सबसे ग्रेटेस्ट को सबसे लास्ट। और हाँ, एसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, लेस देन लगाने की जरूरत नहीं, चाहे कॉमा लगा चाहे कोई फर्क नहीं। ओके मैम, अब हम क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्वेश्चन ए बी सेक्शन वो आपके लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी माइडियर स्टूडेंट वही काम करने हैं, बस अंतर इतने हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जस्ट उल्टा करेंगे, यानी कि जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इसमें उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो आइए तो देखते हैं सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है माइडियर स्टूडेंट, इन सारे नंबर में 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, कितना है 5 डिजिट, तो 5 डिजिट है तो ज़्यादा नहीं सोचने का, बस सबसे, तो इसमें पहले डिजिट को पकड़ेंगे जो सबसे ग्रेटर, तो इसमें भी 88, लेकिन ये 87400 है, ये 86000 है, तो 87465 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे स्मॉलर नंबर को क्या लिखेंगे, फिर इससे स्मॉलर नंबर 86754 को लिखेंगे, फिर इससे स्मॉलर 76845 को लिखेंगे, फिर जो बच गया वो स्मॉलेस्ट ऑलरेडी होगा, इसमें सोचने की जरिए उसे सबसे लास्ट में। ओके मैच, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। 87465 इज ग्रेटर देन 86745 इज ग्रेटर देन 76845 इज ग्रेटर देन 678। इसमें बी सेक्शन आपको होमवर्क देंगे, इसी तरह कर लीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की पढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू नाइन्स इन 90694, यानी ये जो नंबर है इसमें जो दो डिजिट है 9 और पहला वाला और लास्ट वाला, इसके प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस। तो पहले देखिए मैडिशन कैसे करते हैं, अगर आपको न समझ में तो 1, 10, 100, 1000, 10000 करके, पहले वाले 9 10 की जगह, तो 9 to 10 हो गया इसका प्लेस वैल्यू 90, और पांचवे वाले डिजिट जो 9 उसका प्लेस वैल्यू क्या है 1, 10, 100, 10000, तो 9 × 10000 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 90000। अब इस 90000 और 90 का हम माइनस करेंगे तो वही आपका डिफरेंस होगा। ओके मैडम, तो अब हम इस पर माइनस करते हैं, डिफरेंस क्या है 90000 - 90, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 89910, तो यही आपका फाइनेंस। ओके मैडम, अगर आपको इसमें से कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके मैडम, तो लीजिए, तो क्लास एक्सरसाइज, क्लास फाइव का एक्सरसाइज 1.1 में मैंने जो क्वेश्चन छोड़ दिया वो आपके होमवर्क रहेंगे, और जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व कराते चल रहा हूँ होमवर्क दे, उसे सॉल्व करते चलेगा और फेयर पे कंप्लीट करते चलेगा। ओके मैडम, अब हम आपको होमवर्क वीडियो के माध्यम से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास बुक है तो बुक से लगा सकते हैं, और अगर अभी तक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लिख के फेयर कंप्लीट कर सकते। ओके मैडम, तो कल हम जब भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11, कल हम आपसे जब भी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मुझसे आप 9 से 12 ऑनलाइन क्लास के बीच में कभी भी आप, आपको जो भी डाउट क्वेश्चन है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने ए सेक्शन बता दिया, बी सेक्शन आपके होमवर्क रहेंगे, 9th में ए बता दिया, बी सेक्शन होमवर्क रहेंगे, 10th में मैंने ए बताया, इसी तरह बी सी डी कर लीजिएगा,
ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा, सब काम वही करना है। पहला क्वेश्चन बता दे उसी तरह ही है, और अगर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके मैं, तो ये होमवर्क रख, तो कल हम आपसे जब भी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर आपको एडवांस में होमवर्क दे दे रहे हैं, अगर 11 12 भी आएगा तो करिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कल हम 11 तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तो क्वेश्चन होमवर्क कर लीजिए, और हाँ जितना क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, समझाते चल रहे हैं, और होमवर्क उसी फेयर पर कम्प्लीट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, विश ऑल बेस्ट वंस अगेन एंड जय हिंद।